सरकार का दुष्प्रचार किया गया कि यह मोदी की सरकार यह किसान विरोधी है, एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा, परंतु कल ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसपी बढ़ा करके भाइयों देने का काम मेरे किसान को किया है। जब मैं ये देख रहा था कि इसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, आज धान के फसल के अंदर हमारी सरकार जो 117 रुपए की बढ़ोतरी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है, आज 2300 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान को उसकी धान की फसल खरीदने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। भाइयों, लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। जब मैं बाजरे की फसल के बारे में देखता हूं, हमारी सरकार ने बाजरे के अंदर भी 125 रुपए की बढ़ोतरी की है, आज 2625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भाइयों मेरे किसान का बाजरा भी खरीदा जाएगा। 135 रुपए की बढ़ोतरी ये मक्के के अंदर की है, मूंग के अंदर 124 रुपए की है, मूंगफली में 406 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है, सूरजमुखी के अंदर 520 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है, और तिल के अंदर 632 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है, कपास के अंदर 501 रुपए की बढ़ोतरी ये हमारी सरकार ने की है। भाइयों, जो लोग ये लगातार दुष्प्रचार करते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार वो प्रधान सेवक के रूप में भाइयों शपथ लेते हैं, तो सबसे पहले जब गद्दी के ऊपर आकर के कुर्सी पर आकर के बैठते हैं, तो सबसे पहले जो कलम चलती है वो मेरे देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी उनके खाते में देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। भाइयों, किसान हितैषी सरकार किसानों को मजबूती की तरफ ले जाने का काम करने वाली सरकार, भाइयों दिन रात किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और मोदी जी ने यह भी संकेत दिया है कि हम किसान को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।